अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। यस, अभी तो आप लोगों ने सितारों को सिर्फ छुआ है, अभी तो जस्ट 12th के एग्ज़ाम हुए, बहुत सारे जहानों की सैर अभी करना है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको मज़ा आने वाला है और डेफिनेटली आप लोग इसके बाद में इस काबिल हो जाएंगे, ये वीडियोस की पूरी सीरीज़ देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को जॉब की कॉल्स आने लगे। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ज़िंदगी के बहुत सारे इम्तिहान होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपने अभी ये 12th का एग्ज़ाम दिया, तो लाइफ में और भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जो मेन है या जिसको हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं हमारी लाइफ के, लाइफ में प्रायोरिटी होती है तो आपकी जॉब होती है, आपकी शादी होती है और डेफिनेटली एक वो एग्ज़ाम जो हम दे ही रहे हैं, जो जब से हम बड़े हुए हैं ये दुनिया में आने का मकसद ही हमारा वो था और उसका ही रिज़ल्ट मरने के बाद आने वाला है, वो एग्ज़ाम तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों ही एग्ज़ाम को हम इन सीरीज़ में कवर करेंगे, हर एक की मैं सेपरेट सीरीज़ बनाऊंगी। तो आज की सीरीज़ में हम देखेंगे क्रैश कोर्स फॉर जॉब, जॉब के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से पहले तो जॉब सर्च कैसे करेंगे, जॉब सर्च स्ट्रेटेजीज़ क्या होती है, ये हम इस सीरीज़ में देखेंगे जॉब इंशाल्लाह। और दूसरी सीरीज़ में हम जॉब क्रैश कोर्स फॉर मैरिज देखेंगे, क्रैश कोर्स फॉर लाइफ देखेंगे। तो चलते हैं जॉब सर्च स्ट्रेटेजीज़ की तरफ। देखिए, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसकी प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, डेफिनेटली प्लानिंग के बाद में प्रिपरेशन का नंबर आता है, जब आप और फिर उसके बाद में उसका इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तभी वो चीज़ वर्थ होती है, तभी वो चीज़ का कुछ आउटपुट मिलता है। नहीं तो आपने प्लानिंग भी कर ली, आपने प्रिपरेशन भी कर लिया लेकिन आपने उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो तीनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बिना प्लानिंग के अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं लैक्यूना रह जाएगा, वाइस वर्सा, मतलब तीनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। लेकिन तो जो सॉरी जॉब में भी यही होता है, जो जब आप जॉब सर्च करने जाएंगे, अब आप बोलेंगे मैम अभी तो 12th हुआ है, अभी से आप हमको कहाँ जॉब पे लगा रहे हैं, अभी तो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, अभी तो पढ़ाई बाकी है, आगे और एग्ज़ाम्स देना है और स्किल्स एक्वायर करना है। लेकिन यही ये आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, यहीं से आपने अब आप सही डिसीज़न लेने वाले हो, आपने किस फील्ड में जाना है, आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना है और यहाँ से ही आपको आपके अच्छी जॉब के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ से ये प्रिपरेशन तो यहीं से स्टार्ट हो रही है ना, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, मतलब आप अभी बीटेक या बीई में एडमिशन लेंगे, ये प्रिपरेशन है उस जॉब की। तो यही बहुत सबसे सूटेबल और सबसे बेस्ट टाइम है कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें और आज से ही इसके बारे में प्लान करें। तो हम देखेंगे कि जॉब के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जॉब में। पहले तो अगर आप कोई जॉब सर्च करने जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती, डेफिनेटली हैंडसम सैलरी पैकेज, जॉब सिक्योरिटी, जॉब ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। लेकिन जो वो चीज़ सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आती है जब आप जॉब के लिए जाते हो, सबसे पहले क्या चीज़ आपके जहन में आती है कि आपको वो जॉब मिलना चाहिए और आप उसके लिए क्या सोचते हो, ये एक डिलेमा है इंडिया का या हमारे इधर की कंट्रीज़ का कि रेफरेंस का यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही होता है, दूसरे कंट्रीज़ में भी रेफरेंस है, नहीं इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे भी रेफरेंस को इम्पोर्टेंस दिया ही जाता है। एक अब ये सोसाइटी की क्या है, हम इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक लोगों का माइंडसेट बना हुआ है। और ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं है लोगों के हर एक जगह रेफरेंस की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी लोगों का ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि रेफरेंस के बिना आपको जॉब नहीं मिलती है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सबसे बड़ा रेफरेंस है। इवन जैसे अब मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ और
तो अकॉर्डिंगली ही मैं बात करूँगी कि अगर आप कोई कॉलेज में भी जाते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप कोई कॉलेज में कोई स्कूल में जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको वो टेबल तक पहुँचाने के लिए रेफरेंस चाहिए, वो इंटरव्यू टेबल तक पहुँचाने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए। अगर आप किसी के ऐसे लोगों की सोच होती है कि अगर आप उस रेफरेंस से जाएंगे तो आपको भले ही से आपके कितने भी अच्छे परसेंटेज हो, कितने भी अच्छे आपके ग्रेड्स हो, लेकिन आप अपनी डिग्रीज पे भरोसा करने के बजाय आप उस रेफरेंस पे भरोसा करते हैं कि अगर आप उस रेफरेंस के थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जॉब पक्की है। लेकिन क्या सही में ऐसा होता है और क्या सही में हमने ऐसी ही सोच रखना चाहिए, यही हम देखेंगे, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा रेफरेंस है आपका वो है अल्लाह की ज़ात। जो भी आपका क्रिएटर है, आप जिस भी फेथ से बिलीव करते हैं, जिस भी फेथ से बिलोंग करते हैं आप, जिस भी फेथ पे बिलीव है आपका, तो आप ये, लेकिन ये आपके जहन में होना ही चाहिए कि जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको दुनिया में भेजा है, उसको आपसे ज़्यादा आपके खाने की, आपके रिस्क की, आपकी चीज़ों की फ़िक्र है। जैसे एक माँ जब बच्चा जन्मती है तो सारी दुनिया ही ये मानती है कि माँ को अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है। इवन जब बच्चा कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं, जब बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है, उसको नहीं समझता क्या खाना, किस तरह से खाना और क्या सारी चीज़ें, उसकी साफ़ सफ़ाई, खाना पीना, इन सारी चीज़ों का टेक केयर उसकी माँ ही करती। तो वो जिसने इतनी सारी माँओं को पैदा किया, जिसने सारी दुनिया को पैदा किया, उसको कितनी मोहब्बत नहीं होगी और उसको क्या फिक्र नहीं होगी, क्या ये सवाल आपको सोचना चाहिए। तो डेफिनेटली उस पैदा करने वाले को, उस को जिसने हमें दुनिया में भेजा है, उस ज़ात को, उसको हमारी सबसे ज़्यादा फिक्र है। तो सबसे बड़ा रेफरेंस भी हमारा यही है कि उस अगर हम अल्लाह की ज़ात पर, अपने क्रिएटर पर, अपने गॉड पर भरोसा रखें तो डेफिनेटली हमारी जॉब भी सिक्योर होगी और सारी ये चीज़ें अच्छी सी होगी। इसके लिए मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। बहुत लोग क्या होते हैं कि लोग दुनिया में अपने डिग्री पे, अपनी सारी चीज़ों पे तो भरोसा करते हैं, लेकिन इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते कि या इस बारे में सोचते ही नहीं बिल्कुल कि जिसने हमें दुनिया में भेजा है, कभी हमने उसके भी सर दर पे सर रखना चाहिए, उससे भी पूछना चाहिए, उससे भी कांटेक्ट करना चाहिए, ऐसा हम सोचते ही नहीं बिल्कुल। तो मेरे एक जानने वाले काउंसलर हैं, करियर काउंसलर, उनके पास में एक साहब आए और तो कहने लगे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कोविड की वजह से मेरी जॉब चली गई थी और उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिली और सब लोग मेरे साथ, अब जो लोग मेरे साथ डिनर करते थे, चाय पीते थे, अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, अगर मैं जाऊँ तो वो अंदर से ही कहलवा देते कि हम नहीं हैं यहाँ पर, अगर मैं उनसे मिलने जाऊँ तो मेरे साथ इस तरह से सुलूक करते, बहुत मैं टेंशन में हूँ, घर में भी बहुत परेशानी है। तो वो उन्होंने उनको पूछा कि एक बात बताइए, आप बुरा ना मानिए, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, लेकिन एक बात बताइए कि आपने आखिरी बार नमाज कब पढ़ी थी। तो वो बोलते कि ये तो काफ़ी अरसा हुआ, मुझे तो याद भी नहीं है। तो ये हमारे जो करियर काउंसलर हैं, उन्होंने उनको कहा कि एक बार उससे तो मांग के देखिए, एक बार उससे तो, उसके आगे तो सर झुकाइए और अपने बनाने वाले को, अपने क्रिएटर को याद तो कीजिए, फिर बताइए मुझे। जस्ट तीन ही हफ्ते हुए और उनका फ़ोन आ गया और बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने बताया कि तुमने बताया तो मैंने इस बारे में सोचा और फिर मैं मस्जिद गया और मैंने बहुत अल्लाह से दुआ की और देखिए इतनी ही जल्दी मुझे बहुत ही अच्छे, पहले से भी बहुत अच्छी जॉब मुझे मिल गई है। डेफिनेटली आपकी डिग्रीज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी सारी चीज़ें मैटर करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ और बस बैठ के प्रेयर ही करते रहो और कुछ भी नहीं। इसका भी इम्पोर्टेंस है और आपके जो आपकी एफर्ट्स है उसका भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया, ये एक सिस्टम से चल रही है, तो चीज़ों को, लोगों को सिस्टम थ्रू मिलती है, ऐसा नहीं होता। ये इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपका जो क्रिएटर है, जो गॉड है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और वो घर बैठे लोगों को खाना खिला सकता है, वो घर बैठे लोगों को सारी लग्जरीज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसने एक सिस्टम बनाया
गया है और एक सिस्टम से सारी दुनिया चल रही, तो ये भी एक सिस्टम का ही हिस्सा है कि आप आपकी जॉब के लिए मेहनत करें, आप आपकी जॉब के लिए बेसिक स्किल्स एक्वायर करें, उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं और फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो आप वहाँ पर ज्वाइन करें। जब आप वहाँ पर रोज़ काम करेंगे तो महीना पूरा होगा तो आपको सैलरी मिलेगी। ये पूरा सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम भी सब ये हालांकि ये सिस्टम होने के बावजूद भी सारे ही लोगों को ये एक्सेस नहीं हो पाता। सारे ही लोग पढ़ाई करते हैं, सारे ही लोग इंटरव्यू देते हैं, जॉब की कॉल का वेट करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ बहुत सारे लोगों के साथ में नहीं होता। बहुत सारे लोगों को कॉल्स नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को बहुत ही कम सैलरी ऑफ़र की जाती है वगैरह, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप जब जॉब सर्च की स्ट्रेटेजी बनाते हो, जब आप प्लानिंग करते हो, तो उसमें सबसे टॉप पे आपको ये रखना है कि आपने इस बात का यकीन रखना है कि वही प्रोवाइडर है, वही चेरिशर है, वही गीवर है, और अगर आप उससे अपना कॉन्टैक्ट अच्छा रखेंगे, उससे आप अपना कनेक्शन अच्छा रखेंगे, तो लाइफ में सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से होगी। इवन मेरे अपनी ही एग्जाम्पल है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ कि मैंने ये जैसे कॉलेज के बारे में मशहूर है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोनेशन देना पड़ता है, फिर बाद में आपको अप्रूवल के लिए कई लाख रुपए देने पड़ते हैं, देन आपकी जो अप्रूवल आने के पहले की सैलरी रुकी होती है वो पैसे निकालने के लिए आपको उतने 10% के हिसाब से, सपोज़ आपका 4 लाख का अमाउंट हो गया तो आपको 40,000 रुपये, अगर आपका 8 लाख का अमाउंट हो गया तो आपको 80,000 रुपये ये वहाँ देने होते हैं, तब आपके पैसे निकल पाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मशहूर है और बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह से होता भी होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हर बार ही अपने काम के लिए मैंने बस 2 रकात नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआ की और मुझे किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसे नहीं लगे। मेरा अप्रूवल में भी 1 रुपया भी मुझे खर्च नहीं करना पड़ा, जो मेरी इतनी बहुत सैलरी रुकी थी, बहुत एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था वो, और किसी को भी ये यकीन नहीं था, यानी वो अमाउंट आने के बाद में भी लोगों को ऐसे बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहा था कि इतना बड़ा अमाउंट 1 भी रुपया खर्च किए बगैर आ गया, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर मेरा भरोसा था, मैंने उसी से बार 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 मांगा, और मैं हाँ मैंने कोशिश की, मैं बार बार वो मैं वो ऑफिस में गई, मैंने देखा कि कहाँ तक मेरा काम हुआ, अब आगे उसको कहाँ परसीव करना है, वो सारी चीज़ें मैंने की, लेकिन मैंने किसी को भी कोई भी ना कोई ऑफिसर को ना कोई क्लर्क को मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ही चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो गई। तो जॉब सर्च स्ट्रेटेजीज में आप सबसे टॉप पर ये रखेंगे कि आप आपके केयर आपके गीवर पर, आपके प्रोवाइडर पर, आपके चेरिशर पर, आपके गॉड पर, आपके क्रिएटर पर भरोसा रखें, और वही सबसे बड़ा रेफरेंस है, उसके रेफरेंस से आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी। आगे क्या और हमने क्या क्या चीज़ें करना चाहिए एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।